अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको लग रहा होगा कि मैं अंधेरे में हूँ, लेकिन ये तो सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं सुबह के और मैं गांव में आया हूँ। चलो चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चप्पल चाहिए है? चप्पल 5 जोड़े 6 जोड़े चाहिए, मिल जाएंगे? लेकिन वो थोड़े उस हिसाब से चाहिए। हाँ, मिल जाएंगे। यार ये भाई ने पराठा खिलाया है मुझे, तेल बहुत है। यार मेरे ये पुराने यार हैं, ये लोग मुझे पराठा खिला रहे हैं। ये देखो पराठा, ये चाय। और इसी तरह मैंने 10-12 जोड़े चप्पलों के ख़रीदे और हम निकल गए गांव की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि ये चप्पल मैंने क्यों ख़रीदे हैं। ये चप्पल मैंने इसलिए ख़रीदे ताकि मैं वहाँ पे अगर किसी के पास चप्पल टूटी हुई हो तो मैं उसको टूटी हुई लेके और उसको ये वाली दे दूँ, उसके साथ एक सौदा करूँ। गांव में सब सो रहे हैं और मैं जो हूँ अपने गांव में अपनी सिस्टर के घर पे हूँ और यहाँ भी मुझे बनानी है चाय, तो चाय बनाते हैं। ये इनके पास एक सोलर का लाइट लगा हुआ है बस, जो बैटरी पे चलता है, छोटा सा लाइट है और बाकी सब लोग सो रहे हैं। चलो चाय बनाते हैं। तो जी गांव में हम बना रहे हैं चाय। पहले मैं चोरी चोरी बना रहा था, फिर वसीम भाई आ गए। ये रहे वसीम भाई, गैस नहीं है अभी तो हम जा रहे हैं लकड़ियों पे चाय बना रहे हैं। ये धुएं की खुशबू वाली चाय का मजा ही अपना है, नहीं? चले जी, एक और जगह से भी चाय हमें मिल गई है, लेकिन ये हम ये वाली पीएंगे अपने वाली। आज मैं आया हूँ गांव और आज मैं अपने आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत ठंड है और लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं, एक छोटा सा गांव है सिंध में, मोरो सिटी के करीब एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये देखें जी, अभी तकरीबन सुबह के 7:30 के करीब करीब टाइम हो रहा है। मैं उठा था 5 बजे, बिल्कुल अंधेरा था, काफ़ी देर तक वेट किया, उसके बाद अभी जाके बाहर आया हूँ। तो ये है आपके, आज मैं आपको गांव में बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगा। मचाएगी पितम मां तो लाडो याद किवा किथे ही तू फके माई ते मां नवनी ते आ मजो मुफ्तरी मच्छी खाई बे जाजी नवनी में छत न किथे जाई हैदराबाद से ओले बाहर ते पाथी इंशाल्लाह बाहर ही छाए मच्छियां यार मोरा फोन तू दया फोन ते मां मोकले छे ओते नबी जी जे रानो ते आयो उत्ते छनो तो खपाई उत्ते अच्छी खपा तो केरा भी कोने मोड़ी बनिया तो ए जाज सामने से जी थोया कौन थो जी सुन ए जाज मच्छी मच्छी आ दी बक कह दे किथे कहां है लगर हां हां ओए 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 किथे किथे अरे निम्मे ये तो निम्मे ओए ओए मथे मथे ओए सिमानी पे था ओरे काने वाले लुकी गई जोर से देख ये आप देख रहे हैं ये अली है नमूना है किथे लगर गांव में लोग अक्सर साग बहुत शौक से खाते हैं, तो ये मेरा कज़न है, वो अपने लिए साग बना रहा था और तो मैं उसके साथ बैठ गया। बस गांव में आपको हर चीज़ देसी स्टाइल में मिल जाती है और
बड़ी टेस्टी चीज़ें मिल जाती हैं और फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये बड़े शौक से खाते हैं। कीप वॉचिंग स्टडी एंड ट्रैवल।